हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मॉर्निंग के बज गया है एक, ब्लॉक स्टार्टिंग कर रही हूँ और वहाँ लंच बना दिया है और ब्रेकफास्ट कर लिया था तो आराम से कर किया फिर ब्लॉक स्टार्टिंग। सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो आज है दिन संडे का, तो बाहर आदमियों की मीटिंग चल रही है, हस्बैंड के फ्रेंड्स लोगों की, और मैं बना रही हूँ किचन में खाना। उनका नाश्ता पानी भी कर दिया, चाय समोसे कर दिए। ब्लॉग नहीं बना पाई, बहुत बिजी हो गई थी इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाई। तो सोचा कि अब थोड़ी कम हो गए, लोग चले गए, थोड़ी बहुत लोग बचे हैं बैठे हुए हैं, तो सोचा कि चलो ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ। अंदर जाके मंदिर वाले कमरे से ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। पूजा पाठ, नहाना धोना तो सुबह ही हो गया था, आपको पता ही है। आज बहुत दिन बाद ये कमरा थोड़ी अच्छा सा लग रहा है तो सोचा कि आपको दिखा दूँ, नहीं तो हमेशा फैला रहता है, पूरा कमरा फैला रहता है। मैं ठीक करती हूँ फिर फैला जाता है, तो आज कुछ अच्छा सा लगा, सोचा कि चलो दिखा देती हूँ आपको। ये मेरी बन रही है झोई, जिसको कढ़ी बोलते हैं, और हाँ तड़का मारूंगी अभी, कढ़ाई रख दी है, पकोड़े बनाऊंगी। पहले तो पकोड़े का सामान रखा है इसमें, लहसुन वसन आलू प्याज जो जो इसमें डालते सब काट के बेसन में मिला रखा है, पानी नहीं डाला अभी। और यहाँ भिगा दिए हैं चावल, और आज बनेंगे कढ़ी पकोड़े और चावल, जिसको कि हमारे यहाँ बोलते हैं झोली भात। झोली भात बनेगी आज, यम्मी सा। खूब पकाना पड़ता है, एक सुबह से रखा मैंने, सुबह से क्या 12 बजे से रखा है, 1 बज गया तब से पक ही रहा है। तो ये बर्तन बर्तन मार दिया, समोसे की चटनी बची है, समोसे खा लिए हैं। और आपको दिखाती हूँ मैं बाहर बैठे हुए, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगी, अच्छा नहीं लगता ना जेंट्स लोग बैठे हुए, तो उनका ब्लॉग वीडियो बनाऊँ मैं कुछ शोभा नहीं देता। तो अंदर से थोड़ी सी दिखा दिया आपको, अभी 2-4 ही लोग हैं, अब चले गए बाकी लोग, खास खास लोग बैठे हुए, उनके फ्रेंड जो होंगे बेस्ट फ्रेंड टाइप। तो कड़ी पत्ता तो मैं ले आई हूँ, लहसुन छीलती हूँ, तड़का मैं तड़का मारूँगी इसमें, तो फिर मिलते हैं आपसे। ये बन गए पकौड़े, अभी डालूंगी इसमें, इसको और पकने देती हूँ तब इसको डालूंगी इसमें। पकौड़े मैंने बना दिए हैं, मैं ना चम्मच से डालती हूँ पकौड़े, जैसे पहले इसका ये बना लिया और मिक्सचर बना के फिर इसको ना मैं चम्मच से डालती हूँ हाथ, क्योंकि बार बार ख़राब हो जाते हैं, इसे चम्मच से डालती हूँ। कैसे डालती हूँ आपको भी दिखाती हूँ, चम्मच से ही बने हुए हैं सारे। झोई भी पकने की कगार में है, तो आप लोग भी अगर हाथ से हाथ अगर गंदा नहीं करना चाहते हैं बार बार, ये भी गंदा होता ना पकड़ने वाला अंडा, तो ये भी गंदा नहीं होगा, चम्मच से डालो हाथ साफ रहेंगे। ये ट्रिक आप अपना सकते हैं। देखो कितना पसीना पसीना, गर्मी से बहुत बुरे हाल हो रहे हैं दिल्ली में, और एसी की सर्विस हमने आज तक कराई नहीं क्योंकि आज तक ठंडा हो रहा था, हमारे ना अंदर ठंडा होता है, बाहर कमरे में बहुत गर्म होता है, अंदर ही कमरे में ठंडा होता है। तो आज हमने एसी सर्विस वाला बुलाए हैं, हमारे पॉकेट के हैं गुरु इलेक्ट्रॉनिक, और उनका वो भी है जनरल स्टोर भी है और इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, तो हमारे पॉकेट के उनको बुलाया है, शायद वही आ गए हैं। बेल बजिए, एसी सर्विस होगी आज, और उसकी गैस ख़त्म हो गई ना, तो गैस भी डाली जाएगी, तो आज के बाद एसी स्टार्ट। बेल बजी, मुझे लगा कि एसी वाले आ गए, सोना आई है हमारे लिए आलू का थीच लेके, यम्मी सा आलू का थीच लेके सोना आई है। थैंक यू सोना। सोना कैसा हो रहा था थीच, तुमने खा लिया? और मूली का थीच बोलते ना? हाँ, कई जगह थिचड़ी थिजाड़ी भी बोलते हैं, हमारे वहाँ थीच बोलते हैं, थीच आलू मूली का थीच, सिर्फ आलू आलू का थीच है ना? हाँ। नहीं मूली मूली का। तो पकौड़े बन चुके हैं, कुछ कुछ पकौड़े बनाए हैं चाय के साथ खाने के लिए, और जो ज़्यादा पकाए हैं वो इधर कम पके हुए जब डालूंगी कड़ी में, तो कड़ी में तो डाल देती हूँ, लगभग कड़ी बन चुकी है, थोड़ी सी देर और पकाऊंगी इसको, फिर इसको छोंक दूंगी कड़ी पत्ता और लहसुन जीरे से। जिनको बुलाया सुबह से अब आए हैं 4 बजे, ये हमने पिछली बार नया लगाया था भैया, ये वाला ये जाल, ये वाला हाँ, ये फिर भी खराब हो गया, फिर भी लेके बता, हर बार उसने कहा कि लगाओ
अब अगली बार ठीक, 2-3 साल तक ठीक रहेगा। वही तो, ये फिर खराब, फिर क्यों होता है इतनी बार ये? हम तो बहुत परेशान हो गए एसी से, जितने का एसी नहीं है इतने में इससे पैसे लगा दिए। 1 साल के 2 बार गैस डालते हैं हम इसमें, 1 सीजन के। फाइनली एसी लग चुका है। भैया पानी तो पी लो पहले। गजब कितना गंद निकला इसका। भैया तुमने ये क्यों निकाला? वो लग जाएगा उसमें, पाइप ले लेते मुझसे। नहीं वॉश बेसिन का वो निकाल दिया। कहाँ से निकाला इन्होंने ये? अच्छा यहाँ से निकाल दिया ना, वॉश बेसिन के ऊपर से निकाल दिया ये। शॉर्टकट मारते हैं हर कोई। ये इतना गंदा निकला है एसी में से। एक से क्यों कर रहे हो? क्योंकि वाला छोड़ दो। गड़बड़ हो रहा है, एक इसका खराब है। बंद कर दो वीडियो। हम आए हैं जिम में, सोना कर रही है जिम, माही भी कर रही है, सनाया भी कहाँ है? माही पता नहीं कहाँ गए बच्चे। अच्छे उधर भाग रही है सनाया, माही उधर कर रही है, सारे बच्चे उधर चले गए। हाँ बच्चे दौड़ चले हैं घर की तरफ, भाग गए वो, भाग गए। अब मिलती हूँ घर जाके। घर जा पार्क से आके मैंने कर ली पूजा। जय हो, जय माता दी, जय श्री देवता। पूजा कर ली मैंने, 7:30 का मतलब काम शुरू होने वाला है किचन का, रोटी सब्जी बर्तन सफाई आटा सब कुछ। तो फिर टाइम मिल नहीं पाता है। अब खाना बनाना तो बिल्कुल उससे बनाना ना, लगन से तो अच्छा बन पाएगा, इसलिए ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, बाय।